हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनवेश फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त से एंजॉय कर रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, तो जल्दी से देख लेते हैं 13 क्वेश्चन क्या है। यह है CRM का मीनिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट और मर्सेस रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो CRM ऑलरेडी अपन ने सीख लिया था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस अपन ने देख ली थी एक प्रीवियस क्वेश्चन, इससे ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। तो CRM अच्छे से पढ़ लेना, दो बार रिपीट हो गया यानी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने पहले प्रीवियस वीडियोज में डिफाइन किया है इसी अंतिम प्रकार की सीरीज में, इसलिए यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। अब जो यहाँ का मेन क्वेश्चन आ जाता है कि रिलेशनशिप मार्केटिंग और रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेना। देखिए, इसको आप इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ काफ़ी। रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है और रिलेशनशिप मार्केटिंग उसका एक पॉइंट है, ठीक है। यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक फंडा होता है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मार्केटिंग, ये सारे के सारे जो एक मैनेजमेंट का फंडे होते हैं, वो उसके अंदर मार्केटिंग एक पॉइंट होता है। यानी कि एक फंक्शन है रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, रिलेशनशिप मार्केटिंग। ये बात समझ में आ गई, आ गई ना। रिलेशनशिप मैनेजमेंट ही CRM कहलाता है, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ही रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। यानी इसके अगर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट लगा दो या रिलेशनशिप मैनेजमेंट लगा दो तो एक ही। अब यहाँ पर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जब अप्रोच की बात आती है तो न केवल रिलेशनशिप मैनेजमेंट कस्टमर से होता है बल्कि हमारे सारे स्टेक होल्डर से होता है। अब सर, स्टेक होल्डर का क्या मतलब है? तो स्टेक होल्डर का मतलब इस तरीके से है, जो भी लोग कंपनी से जुड़े हुए होते हैं। कौन कौन लोग जुड़े हुए होते हैं? उसके एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं, उसके वेंडर्स जो उसको माल सप्लाई करते हैं वो जुड़े हुए हैं, उसके शेयर होल्डर्स जुड़े हुए हैं, उसके कस्टमर जुड़े हुए हैं, है ना। कंपनी से और कौन जुड़ा हुआ होता है? कंपनी से उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जुड़े हुए होते हैं, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जुड़े हुए होते हैं, उसके ऑनर्स जुड़े हुए होते हैं। इन सबको कंपनी से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा होता है। कंपनी से गवर्नमेंट जुड़ी हुई होती है, कंपनी से सोसाइटी जुड़ी हुई होती है। इन सब के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम रिलेशनशिप मैनेजमेंट का होता है। इस रिलेशनशिप मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा जो मेजर रोल आता है वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का आता है, जिसको हम CRM बोलते हैं, है ना। तो ये CRM हमारी ग्रोथ सक्सेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, अगर कोई कंपनी के ऊपर केस हो गया, गवर्नमेंट से कोई लीगल कंप्लायंसेस आ गए, एम्प्लॉय के बीच में कोई ग्रीवेंस आ गए, तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और सामान्य भाषा में इसको HR बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स HR हेड जो होता है उसका ही सारा का सारा काम होता है। तो और रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है? रिलेशनशिप मार्केटिंग का मेन अप्रोच होती है कि कस्टमर को, हमारे जो रिलेट कस्टमर्स हैं उनको किसी भी करके हमारा प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, उनसे सेल्स जनरेट करना। जबकि रिलेशनशिप मैनेजमेंट ना केवल सेल्स जनरेट करेगा बल्कि उनके ग्रेवियंस भी सॉल्व करेगा और उनकी आइडियोलॉजी भी फॉलो करेगा, उनकी सर्वे भी करेगा, उनके ओपिनियन भी लेगा, उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में भी इन्वॉल्व करेगा। यानी रिलेशनशिप मैनेजमेंट बड़ा है, रिलेशनशिप मार्केटिंग छोटा है। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है? फोकस होती है ब्रॉडर मार्केटिंग फिलोसॉफी में अंदर, इज अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट बनाना चाहती है और रिलेशन बनाना चाहती है। इसकी अप्रोच क्या होती है? एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन डेवलप करने की फॉर पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। जबकि रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या काम कर रहा है? ये बेसिकली CRM ही होता है। इस इंक्लूडिंग द CRM इज नॉट मोर स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रैक्टिस टेक्नोलॉजीज एम्ड टू मैनेजिंग इंटरेक्शन एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द कस्टमर लाइफ साइकिल। या कस्टमर के बारे में, हम कस्टमर कब से आया, उसने कितनी बार परचेज किया, कितनी बार कौन सा प्रोडक्ट लिया, कितनी बार कौन सा लिया, वो सारी की सारी चीज़ें हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट में सिखाते हैं। यानी कस्टमर के साथ थ्रू आउट हमारा साइकिल बना। लेकिन रिलेशनशिप मार्केटिंग केवल एक उसका सब पॉइंट होता है जिसमें हम कस्टमर को नए प्रोडक्ट ऑफर करना, नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, नए प्रोडक्ट उनसे परचेज करवाना और उनकी सेल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये रिलेशनशिप मार्केटिंग का काम हो गया। क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और अपनी ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।